हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजा वाला लाइफस्टाइल। मैं ठीक हूँ, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, अभी मेरा हो गया फर्स्ट मील का टाइम हो गया है, 11 बज चुके हैं और मैं अपने लिए कुछ बनाने लगी हूँ जो कि प्रोटीन से भरपूर और बहुत टेस्टी लगता है। एंड उसकी मैं आपको रेसिपी दूंगी जो कि सिंपल सी होगी, ज़्यादा मसाले उसमें ऐड नहीं होंगे, तब भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। वेट लॉस फ्रेंडली रेसिपी है वो, तो मैं ज़्यादा आपको सस्पेंस में नहीं रखूंगी। मैं बनाने लगी हूँ मटर पनीर की रेसिपी, जिसको आप खा सकते हो रोटी के साथ, पराठा के साथ, चावल के साथ, जिसके साथ मर्जी खा सकते हो। इसको मैं इतनी क्वांटिटी में बनाऊंगी ताकि मैं अभी भी खा सकूं, एंड मैं नाइट में अभी मैं राइस के साथ खाऊंगी, एंड जो नाइट में मैं खाऊंगी वो मैं खाऊंगी सिंपल सब्जी, बस सब्जी के एक से दो कटोरी। तो मैं इतनी क्वांटिटी में बनाने लगी हूं, तो चलो मैं ज्यादा देर नहीं करती, तो चलो साथ किचन में चलते हैं और बनाते हैं मटर पनीर। तो गाइस, मैं मटर पनीर बनाने के लिए मैंने 3 टमाटर लिए थे, 2 प्याज लिए थे और थोड़ा सा लिया था लहसुन, उसका मैंने पेस्ट बना लिया। और ये मटर मैंने निकाल लिए है, अब हम इसका तड़का लगाएंगे। तो गाइस, मटर पनीर बनाने के लिए मैं बिल्कुल जरा सा ऑयल डालूंगी, बस इतना सा, 1 से 2 चम्मच मैंने ऑयल लिया है, सरसों का तेल है। इसको मैं अच्छे से पहले गर्म कर लूंगी क्योंकि कच्चे तेल की स्मेल मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो इसको गर्म होने देते हैं पहले। तो तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, ज्यादा इसमें खड़े मसाले मैं कुछ भी ऐड नहीं करूंगी, सिर्फ ये थोड़ा सा मैं इसमें जीरा ऐड करूंगी और ये 2 डालूंगी इसमें मैं तेज पत्ता। अगर आपको मोटी इलायची डालनी है तो आप इसमें ऐड कर सकते हो। अब मैं इसमें अपना ये ऐड कर दूंगी प्याज, टमाटर और लहसुन का जो मैंने घर पे फ्रेश पीसा है वो वाला पेस्ट। पेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें ऐड कर देंगे नमक, लाल मिर्ची, वो भी आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालनी है, कितना आप तीखा खाते हो कितना नहीं। और थोड़ी सी हम डाल देंगे इसमें हल्दी, और थोड़ा सा मैं इसमें डाल दूंगी धनिया पाउडर, थोड़ा सा मैं इसमें ये डाल दूंगी चिंग्स का पनीर मसाला। मैं ये मटर पनीर में जरूर डालती हूँ, इससे टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा आता है। आपने कभी यूज नहीं किया तो एक बार करके देखें आप। दैट्स इट, अब अच्छे से मसाले को भून लेंगे। मसाले के साथ ही मैं ये मटर भी डाल दूंगी ताकि कि अच्छे से मसाले के साथ मटर भी भून जाए। तो मसाला मेरा अच्छे से भून चुका है, अब मैं इसमें थोड़ा पानी ऐड कर दूंगी ताकि मटर अच्छे से गल जाए। आप अपने अकॉर्डिंग पानी ऐड करें, आपको कितनी ग्रेवी चाहिए पनीर की और कितनी नहीं। तो पानी मैंने ऐड कर दिया है, मेरे को थोड़ा फीकी चाहिए तो इतना पानी ऐड किया है। अगर आपको ढक के मटर गलाने हैं तो आप ढक के करवा सकते हैं, मतलब मटर गला सकते हैं। अगर आपको सीटी लगवानी है तो आप करके, तो बस एक ही सीटी में मटर गल जाएंगे। तो मैं सीटी लगवाऊंगी, बस इसकी एक ही सीटी आएगी, वो भी मीडियम पे। तो गाइज, एक सीटी डलवाई थी, मटर अच्छे से गल चुके हैं, अब इसमें पनीर ऐड कर दूंगी। एंड इसको कम से कम मैं 10 मिनट और इसको मैं रखूंगी गैस पे, क्योंकि मेरे हिसाब से जो ग्रेवी है वो थोड़ी पतली है तो मेरे को गाढ़ी चाहिए। अगर आप इतनी ग्रेवी आपको अच्छी लगती है तो 2 से 3 मिनट और चलाएं बस। अब इसको मैं 10 मिनट और गैस पे रखूंगी मीडियम पे। अब ऊपर से हम गार्निश कर देंगे इसको कसूरी मेथी से। तो गाइज, मेरे को इतना थिक चाहिए होता है, तो ये पनीर मेरा बन के रेडी है। आप देख सकते हो देखने में कितना ज्यादा डिलीशियस लग रहा है ये। बस इसका मैं कुकर को बंद कर दूंगी। अगर आपको ग्रेवी ज्यादा चाहिए तो आप हल्का सा पानी डाल सकते हैं, बट मेरे को इतनी चाहिए। आप इसको राइस के साथ भी खा सकते हैं, रोटी, पराठाज, किसी के साथ भी आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। तो बस इसी पॉइंट पे मैं गैस को बंद कर दूंगी। तो गाइस, मटर पनीर मेरा रेडी हो चुका था, उसके बाद मैंने वो थोड़े थोड़े से राइस, बॉइल्ड राइस के साथ वो मैंने खाया है। अभी मेरे को लंच किए हुए आधा एक घंटा हो चुका है, तो बस मैं अपनी वीडियो कहीं पे एंड करती हूँ। अभी मैंने राइस के साथ खाया और इवनिंग में मैं खाली खाऊंगी, खाली सब्जी खाऊंगी, और बहुत टेस्टी बना था। कम मसालों में बनाओ, मतलब खड़े मसाले मैंने ज्यादा नहीं डाले, सिर्फ मैंने तेज पत्ता डाला था एंड मैंने सिर्फ जीरा डाला था, और गर्म मसाले में मैं सिर्फ धनिया पाउडर और वो डाला था पनीर का मसाला, एट दैट्स इट, और कुछ भी ऐड नहीं किया। बहुत बहुत यमी बना है। अगर आप लोगों ने कभी ऐसे नहीं बनाया तो ट्राई करके देखे, हमारे वेट लॉस में काफी हेल्प करती है सब्जियां। ये नहीं कि हम वेट लॉस कर रहे हैं तो हम ऐसे ही कुछ भी खा लें, ना टेस्ट हो, बेस्वाद चीजें खाएं, नहीं, हमको अच्छी अच्छी चीजें खानी है और टेस्टी टेस्टी खानी है, और इसमें काफी प्रोटीन होता है तो हमारा पेट काफी टाइम तक फुल रहेगा, कम से कम 3 से 4 आवर तक रात में भी खाएंगे तो आपका पेट फुल रहेगा। अगर आप ऐसी रेसिपीज यूज करेंगे तो आपका मंथ में कम से कम 5 से 6 किलो तो जाएगा ही जाएगा। तो बस आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। आप बताना आपको आज की लंच रेसिपी और डिनर रेसिपी कैसी लगी। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करें, अगर आप पुराने नए तो लाइक करना मत भूलें। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।